बीपी सिंह की सरकार में तो ये सुविधाएं नहीं मिली है। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे अरसे तक पावर में रहकर बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देना उचित नहीं समझा। तो ये बीपी सिंह की सरकार में बीएसपी के अथक प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस उपाधि से सम्मानित किया गया, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर इतना जो डिले हुआ तो जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इनके कारमा को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। इसे भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें एससी एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यह खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा है। और ये सब हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब मजदूर किसान कर्मचारी व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है, लेकिन इन सबकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए, तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी बेरोजगारी महंगाई व अन्य और भी
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।